तो दोस्तों, यदि आपके पास ICICI बैंक में खाता है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। आपके लिए एक खुशखबरी है क्योंकि ICICI बैंक देने जा रही है आपको बिना ब्याज के पैसा। जी हाँ, बिना ब्याज के लोन देने जा रही है ICICI बैंक आपको। हाँ दोस्तों, ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास तरह की सुविधा की शुरुआत की है और यह सुविधा आपको इमरजेंसी में, आपके आपातकाल में काम आने वाली है। क्योंकि यदि आपके बचत खाते में पैसे नहीं हैं और यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग भी नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति में कभी आपको ऑनलाइन ख़रीदारी करनी है तो आप अपने खाते में बैलेंस नहीं होने पर भी, यानी कि पैसा नहीं होने पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ना केवल ऑनलाइन बल्कि आप ऑफलाइन मर्चेंट को भी पेमेंट करके खरीदारी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि यह योजना क्या है और कैसे आपको ICICI बैंक बगैर ब्याज के लोन देने वाली है, पैसा देने वाली है। तो पूरा वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। यदि आप ICICI बैंक के ग्राहक हैं, यदि आपका ICICI बैंक में बचत खाता है तो दोस्तों, ICICI बैंक ने आपको यह सुविधा देने के लिए पे लेटर अकाउंट लॉन्च किया है। पे लेटर यानी कि बाद में भुगतान करने की सुविधा है। ICICI पे लेटर अकाउंट के जरिए आप मर्चेंट को आपके खाते में पैसे नहीं होने की स्थिति में भी भुगतान कर सकते हैं। बैंक की यह नई सर्विस लगभग क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करती है। तो पे लेटर अकाउंट एक डिजिटल क्रेडिट प्रोडक्ट है जहां पर आपको डिजिटल रूप में पैसा आपके खाते में क्रेडिट होता है, जहां आप पैसा आपके खाते में सेविंग अकाउंट में नहीं होने पर भी खर्च कर सकते हैं। पहले आप खर्च कीजिए और बाद में इसका पेमेंट कीजिए। इसके लिए आपसे कोई ब्याज भी नहीं वसूला जाता है। एक निर्धारित समय तक आपको यह पैसा बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री मिलता है, ब्याज रहित मिलता है। अब आपको बताते हैं कि यह सुविधा आपको कैसे मिलेगी और यह सुविधा किसे मिलेगी। ICICI बैंक के अनुसार यह सर्विस अभी इनवाइट ओनली बेसिस पर मिल रही है, कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मिल रही है। बाद में सभी के लिए यह सुविधा शुरू हो जाएगी। आप इस सुविधा का उपयोग आई मोबाइल ऐप के जरिए, पॉकेट वॉलेट या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए इस सर्विस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको इस सर्विस को एक्टिवेट करना होगा। अब एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको आपके आई मोबाइल ऐप में लॉगिन होना है या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग में ऑनलाइन लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने पर आपको लेफ्ट साइड में आपको एक पे लेटर लिंक मिलेगा जहां पर न्यू करके ब्लिंक हो रहा होगा। इस पे लेटर लिंक पर आपको क्लिक करना है और यहां से आप इस सुविधा को एक्टिवेट कर सकते हैं। इस खाते को या इस सुविधा के एक्टिवेट होते ही आपको पे लेटर मोबाइल नंबर ICICI एक यूनिक कोड देगा जिसे UPI कोड कहते हैं। UPI ID आपको मिल जाती है और पे लेटर अकाउंट नंबर भी आपको मिल जाते हैं। तो पे लेटर अकाउंट और UPI के जरिए आप अमेज़ॉन, पेटीएम, फ्यूचर पे, फ्लिपकार्ट, फ़ोनपे आदि सभी ऑनलाइन मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा UPI ID वाले QR कोड को स्कैन करके आप छोटे बड़े कई प्रकार के आउटलेट्स पर ऑफलाइन मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकते हैं। इस UPI ID के जरिए आप सभी ऑनलाइन या ऑफलाइन मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। जब आप ICICI इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तब पेमेंट करते समय आपको वहां पर पे लेटर अकाउंट नंबर का विकल्प मिलेगा यदि आपने पे लेटर एक्टिवेट कर रखा है। यानी कि जब आप खरीदारी करते हैं, जब भुगतान के लिए आप आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए कि आप अमेज़ॉन पर कुछ खरीदारी कर रहे हैं, भुगतान के लिए जब आप सेलेक्ट करते हैं ICICI बैंक को, तो उसी समय आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि पे लेटर अकाउंट से आपको पेमेंट करना है या फिर आपके सेविंग अकाउंट से पेमेंट करना है। लेकिन पे लेटर अकाउंट के माध्यम से आप केवल खरीदारी ही कर सकते हैं, क्योंकि पे लेटर अकाउंट के माध्यम से आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को आप फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। केवल खरीदारी के लिए ही आपको यह सुविधा मिली है। अब आपको बताते हैं कि यह पैसा आपको कब तक चुकाना है, कैसे चुकाना है। तो दोस्तों, यह पैसा, एक जो आपने खरीदारी की है, जो खर्च किया है, उसका बिल हर महीने की पहली तारीख को जनरेट होगा। पिछले महीने का बिल अगली तारीख को, मान लीजिए कि आपने जनवरी में खर्चा किया है
31 जनवरी तक जो भी खर्चा आपने किया है उसका 1 फरवरी को बिल जनरेट होगा। जो फरवरी में आपने खर्चा किया है यदि पे लेटर अकाउंट से, तो उसका 1 मार्च को बिल जनरेट होगा। और इस बिल के भुगतान करने की ड्यू डेट हर महीने की 15 तारीख होगी, यानी कि 15 तारीख को आपको इसका पेमेंट करना जरूरी होगा। इससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन 15 तारीख को आपको भुगतान करना जरूरी है। इस बिल की राशि ड्यू डेट आने पर अपने आप ही स्वतः ही ऑटोमेटिक तरीके से ICICI सेविंग अकाउंट बैंक के खाते से आपके डेबिट हो जाएगी। यदि आप पहले से भुगतान नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगी। अब सवाल यह है कि यदि ड्यू डेट के दिन आपके खाते में पैसे नहीं हो, आपके सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं हो, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में पे लेटर अकाउंट में पेमेंट नहीं हो पाएगा और पे लेटर अकाउंट से खर्च की गई राशि समय पर नहीं लौटाने की स्थिति में बैंक आपसे 3% मासिक ब्याज और अन्य चार्जेज लगा सकता है। तो आपातकालीन स्थिति में यह सुविधा आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सभी प्रकार की जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क होता है। सब्सक्राइब के लिए नीचे लाल बटन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है, साथ ही साथ घंटी के बटन पर भी क्लिक करना है। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम। जय हनुमान।
धन्यवाद।